सरकार में 12 साल तक के मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद लंबी जी, लोकसभा के असम से सांसद अब्दुल खालिद जी, गोपाल रॉय साहब, सुदीप रॉय बर्मन जी, अशोक देवर्मा जी, आशीष साहा जी, डीसी रंगवाल जी, नीता चक्रवर्ती जी, हनुमा आचार्य जी और प्रेस के सभी साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से कल यहाँ पर अजय कुमार जी, अरविंदर सिंह लवली जी, अब्दुल खालिद जी हम यहाँ पर उपस्थित हुए और कुछ दिनों पहले स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष दीपा दासमुंशी जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। यहाँ पर किस तरह से आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चल रही है, उसके संदर्भ में हमने यहाँ के तमाम साथियों से कल से चर्चा की। कल शाम को वरिष्ठ नेताओं से बात करी, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ऑफिस बेयरर्स और पीसीसी के डेलीगेट्स से हमने बात करी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट से बात करी, हमारे अग्रिम संगठन NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस के तमाम साथियों से बात करी। और ये कहना पड़ेगा कि अब 2023 साल की शुरुआत कांग्रेस के लिए उत्तर पूर्वी भारत से बड़ी अच्छी तरह से शुरू होने जा रही है। साल खत्म होते होते वहां पर हिमाचल प्रदेश में गुजरात के साथ चुनाव हुए और हिमाचल प्रदेश में वहां पर कांग्रेस को वहां की जनता ने बहुमत दिया और कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी। राजस्थान के बाद, छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल में फिर हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में भी बनी थी, लेकिन उसका हश्र किस तरह से बीजेपी ने किया वो बताने की आवश्यकता नहीं। जेपी नड्डा जी कुछ समय पहले यहाँ पर अगरतला आए, कल शाम से हमने देखे बड़ी बड़ी तस्वीरें उनकी लगी थी और आज बीजेपी के पूरे प्रदेश से लोग और अगल बगल के प्रांतों से लोग यहाँ पर पहुंचे और उनकी जनसभा को सुनने के लिए वो वहां पर गए। मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि जिनकी बात वहां अपने खुद के प्रदेश हिमाचल के लोगों ने नहीं सुनी, उनकी बात यहाँ पर लोग क्या सुनने वाले हैं। वहां पर हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा जी को बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। अब जिसको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, एक तो उसकी बात हम पूरी तरह से मानेंगे या उनकी बात हम बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। इनके प्रदेश में वहां के लोगों ने उनको जानने की वजह से इनकी बात नहीं सुनी, अब त्रिपुरा के लोग उनकी क्या बात सुनेंगे। मैं तो ये सोच रहा था त्रिपुरा में वो चुनाव अभियान का शुभारंभ करने के लिए नहीं, वो जेपी नड्डा जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है उसके समारोपीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए। कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान होगा और याद रखिए अब त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार कुछ ही दिनों की बची हुई है। ये सिर्फ कहने के लिए हम कह रहे हैं, ऐसे नहीं। इन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या नहीं हुआ। मोदी जी आज वहां पर है कर्नाटक में, राष्ट्रीय युवा उत्सव वहां पर उसका शुभारंभ करने के लिए। आज 12 जनवरी, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, जयंती है। इस स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस ऐलान करने का काम स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया
और जब अर्जुन सिंह जी के साथ मैं नरसिम्हा राव जी के मंत्री परिषद में राज्य मंत्री था, तब 1995 में आज ही के दिन राष्ट्रीय युवा उत्सव की शुरुआत हुई। पहला उत्सव भोपाल में हुआ, जिसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किया, और दूसरा उत्सव वहाँ सॉल्ट लेक स्टेडियम कैलकटा में हुआ, जिसका शुभारंभ मदर टेरेसा ने किया। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी आज उसी राष्ट्रीय उत्सव का वहां पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। आज जेपी नड्डा जी ने गिनाया कि कितनी आईआईटी खोली, कितने एम्स खोले, कितने मेडिकल कॉलेजेस की उन्होंने बढ़ोतरी किया, लेकिन ये याद रखना होगा, एक गुलाम भारत को आजाद बनाने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। एक ऐसे भारत को जहां पर सारे तरफ सिर्फ गरीबी थी, उसको एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा करके आधुनिक भारत का निर्माण करने की शुरुआत ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। ये भारत में लोकतंत्र, समाजवाद, समता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, ये बुनियादी मूल्यों पर भारत के समाज को, भारत को आगे ले जाने का काम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया।